मैं आपके अर्थशास्त्र शिक्षक मनीष कुमार आज 12th क्लास के क्रैश कोर्स के लिए 5वें चैप्टर के साथ हाजिर हूं। आज के चैप्टर, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था मांग के नियम। अब मांग के नियम में हम इस बात की चर्चा किए थे कि यदि अन्य अवस्थाएं पूर्ववत है तो मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। यानी एक तरह से यह बताता है कि मांग के जितने भी निर्धारक तत्व हैं उसमें उस खास वस्तु के मूल्य को छोड़ करके अन्य तथ्यों को यानी अन्य चरों को हम कांस्टेंट कर दें तो मूल्य और मांग में क्या संबंध होता है। तब एक रिलेशनशिप जो उभरा था वो ये उभरा था कि अन्य चरों को कांस्टेंट करने पर मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। हमने कहा था कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लेकिन ये है कि ये सिर्फ विरोधी परिस्थितियों को बदलाता है कि एक तरफ मूल्य बढ़ती है मांग घटता है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि किस अनुपात में। यानी मांग का नियम सिर्फ मात्रात्मक संबंध को बदलाता है, जो है गुणात्मक संबंध को बदलाता है, मात्रात्मक संबंध को नहीं बदलाता है। यह तो तय है कि यहां एक ऊपर की ओर मूल्य ऊपर की ओर जाएगा तो मांग नीचे की ओर, लेकिन किस अनुपात में मूल्य बढ़ने पर मांग किस अनुपात में परिवर्तित होगा इसके बारे में यह कोई चर्चा नहीं करता है। मांग की लोच इसी अनुपात को मांग की लोच में इसी अनुपात को स्पष्ट किया जाता है श्रेणियों के साथ कितनी डिग्रियों का अंतर हो। यानी यह कहने का मतलब है कि मूल्य में किसी खास परिवर्तन से यानी मूल्य में किसी खास अनुपात में परिवर्तन से मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है मांग की लोच इसी की माप है और ये माप ये विभिन्न श्रेणियों में ये करती है। तो मांग की लोच को एक सिंपल से डायग्राम से हम यहां दिखा रहे हैं एक रेखा से, जिसमें ये यहां पर आकर के हम लास्ट करेंगे इस चैप्टर को, इस कारण यहीं से शुरू करते हैं। जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि एक मांग रेखा जो रैखिक है उसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहां देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको मांग की लोच कहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हाँ अर्थशास्त्र या साइंस में ज्यादातर अंग्रेजी वर्ड को ही फॉलो करें क्योंकि हम बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा नहीं बोलेंगे ईडी बोलेंगे। इसे समझना होगा कि हाँ ED4 इलास्टिसिटी ED4 डिमांड और इलास्टिसिटी का मतलब लोच और डिमांड का मतलब मांग यानी मांग की लोच। तो ये दो चीज चलता है ईडी और ईपी। तो यहां हम बताएंगे आगे कि ईपी क्या है और ईडी क्या है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां देखिए मिडिल पॉइंट डी है इस रेखा का, उस पर 1 है, इसके ऊपर ग्रेटर देन 1 है, सबसे ऊपर ओवाई एक्सिस पर जाता है तो इनफाइनाइट में चला जाता है, मध्य बिंदु से नीचे आता है तो इलास्टिसिटी घटती हुई यानी ईडी लेस देन 1 और सबसे नीचे ईडी इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज का विश्लेषण करके हम यहां तक पहुंचेंगे। अब देखिए मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं। तो मांग की लोच के 4 प्रकार होते हैं, जनरली आपको 3 ही बताया जाता है। ये 4 प्रकार में पहला जो है वो कीमत लोच है। कीमत लोच का मतलब है कि जिस वस्तु की मांग का हम अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में क्या परिवर्तन पड़ता है। यानी हम ये कहें कि उस वस्तु की कीमत में किसी खास प्रतिशत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। दूसरा इसमें है आय लोच यानी आय के आधार पर परिवर्तन, आय बढ़ने घटने पर मांग में क्या आनुपातिक परिवर्तन होता है। फिर प्रतिलोच है अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने घटने पर, जैसे चाय का मूल्य बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके कारण भी लोच आती है। प्रतिस्थापन लोच, ये प्रतिस्थापन लोच है कि दो वस्तु एक दूसरे के कितने निकट स्थानापन है उसके आधार पर प्रतिस्थापन लोच ज्ञात किया जाता है। तो ये इसमें से जो 4 है उसमें सिर्फ एक ही आपको पढ़ना है जिसको हम कीमत लोच कहते हैं। कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि पी फॉर प्राइस ई फॉर इलास्टिसिटी। तो अब ध्यान दीजिए जो वहां हम ईडी बोले थे वो यहां ईपी बन जाता है यानी पी फॉर प्राइस ई फॉर इलास्टिसिटी। अब क्या होता है कि इंटर के स्तर पर हम इस तथ्य पर ज्यादा अंतर नहीं करते हैं, हम ईपी और ईडी दोनों यूज करते हैं। हालांकि ईडी का मतलब है ये पूरे से चारों लोच से चारों इलास्टिसिटी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चारों प्रकार में, ईपी तो इसका खास एक भाग है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है इस कारण इसको ईपी और ईडी दोनों में
हम बोल करके काम चलाते हैं और किताब में भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये लोज शब्द क्या होता है कि पढ़ने के किताबी भाषा में आसान से चीज को भी एक उपयुक्त शब्द दिया जाता है जो साहित्यिक धरातल पर सही लगे। जैसे लोज शब्द है तो लोज का मतलब क्या होता है, लोज का मतलब है लचक। जैसे हवा चलती है तो पेड़ की डाली ऊपर और नीचे होती है, तो हवा कारण बना जिससे कारण पेड़ की डाली नीचे और ऊपर हुई। तो यहां पर यही हम पढ़ेंगे कि वह हवा के जगह पर यहां कारण है मूल्य, और वो प्रभाव किस पर डालता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा पर, वो ऊपर और नीचे उससे कारण होती है, इस कारण इसको कीमत पर आधारित लोच कहते हैं। अब हम इसको देखें तो सबसे पहले एक सूत्र हम इसके लिए बना लेते हैं। ऐसे कीमत लोच की हम यहां परिभाषा दे दिए हैं, इसके याद कर लीजिएगा या इसका भावार्थ आप दिमाग में रखिए, और जब भावार्थ लिखिएगा तो राइटर का नाम मत दीजिएगा, सिर्फ ये दीजिएगा कि इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। ऐसे आप शब्दशः याद करते हैं तो राइटर का नाम भी दे दीजिएगा। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा दी थी और प्रोफेसर मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस बात की सबसे पहले मांग की लोच के बारे में चर्चा की थी, और उसमें चैप्टर का नाम दिया था इलास्टिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, न कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो उसमें परिभाषा देते हुए इस बात की चर्चा की थी किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि होती है, यानी कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम कमी होती है, और इसी प्रकार मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, प्रतिशत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को बताती है। यानी ये कहता है कि कीमत में किसी खास प्रतिशत परिवर्तन से मांग की मात्रा में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होती है इस अनुपात को दर्शाता है। तो इसका एक सूत्र आ जाता है अर्थात कीमत लोच बराबर ईपी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको जो है यहां पर ध्यान दीजिए कि ये इसकी पांच श्रेणियां है, मैंने कहा कि विभिन्न डिग्रियों के आधार पर इसकी श्रेणियां बांटी गई है कि कितने प्रकार का रेशियो बनाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो बनाता है जिसमें एक को हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक जो पूर्ण लोच है, दूसरे को कहते हैं सापेक्षिक लोच। सापेक्षिक लोच का मतलब है कि इकाई से अधिक, यानी हम ये कहें कि मूल्य यहां मांग पर ज्यादा प्रभावी है, यानी मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है मांग में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको सापेक्षिक लोच कहते हैं। तीसरा है समलोच, यानी मूल्य में परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन, तो यानी समान इफेक्ट डालता है, मूल्य में जिस अनुपात में जो है उतार चढ़ाव होगा मांग में भी उसी अनुपात में होगा। सापेक्षिक बेरोजगार, इसमें मूल्य का कम प्रभाव मांग पर पड़ता है, और पूर्ण बेरोजगार जिसमें मूल्य का कोई प्रभाव मांग पर नहीं पड़े। ये सब कुछ सिंबल से भी दिखाया जाता है, जैसे पूर्ण रोजगार के में हम कह सकते हैं कि ईपी और यूडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सापेक्षिक रोजगार में बोल सकते हैं कि ईपी और यूडी इज ग्रेटर देन वन, सम रोजगार में ईपी और यूडी इज इक्वल टू वन, और सापेक्षिक बेरोजगार में ईपी इज लेस देन वन, और पूर्ण बेरोजगार में ईपी और यूडी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम सम रोजगार को यूनिट भी जो है यूनिट इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यूनिटेरी भी कहते हैं, इसको मोर देन यूनिट, इसको इनफाइनाइट, लेस देन यूनिट और जीरो। इस तरह से हम अब इसको फिर हमने यहां रख दिया है कि पूर्ण रोजगार मान गया है तो यूडी और ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सापेक्षिक रोजगार यूडी और ईपी इज ग्रेटर देन वन, सम रोजगार यूडी और ईपी इज इक्वल टू वन, और सापेक्षिक बेरोजगार ईडी और ईपी इज लेस देन वन और ईडी और ईपी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हम समझते हैं कि ये ईडी और ईपी इज इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ये आप अभी आपके दिमाग को इधर उधर कर रहा होगा कि ये क्या होता है वन। तो वन का मतलब यही है कि जब हम किसी रेखा की बात करते हैं तो उस रेखा के स्लोप का मान कितना होता है, स्लोप का मान एक है, एक से अधिक है, एक से कम है, इसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन होगा और जो है इक्वल टू वन होगा। इसमें इस बात को ध्यान देना है कि स्लोप की माप हम टाइम के आधार पर करते हैं, लेकिन ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कॉर्ड के फॉर्मूले के लेते हैं, यानी पी बटे बी के जगह पर हम बी बटे पी को हम यहां पर स्थान देते हैं। क्यों देते हैं ये सारी चीज आप समझ जाइएगा। अब हम एक एक करके आते हैं और आपको रेखा चित्र से समझाते जाते हैं, उसमें आपका सारा क्लियर होते जाएगा।
सबसे पहले हम लेते हैं परफेक्ट इलास्टिक को, जिसको हम कहते हैं पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार में ये देखिए क्या होता है, किस तरह का होता है, इसका डिमांड कर्व। ये है इसका डिमांड कर्व और हॉरिजॉन्टल होता है। ये डीडी है, ओ एक्स के समानांतर है। इसमें प्राइस अगर हम की रखते हैं, यानी इधर हम कीमत रखते हैं, ठीक है, और इधर मान की मात्रा को रखते हैं, तो ये पी प्राइस पर देखिए, पी प्राइस पे ही क्यू मात्रा खरीदी जा रही है, इसी प्राइस पे क्यू वन मात्रा खरीदी जा रही है, इसी प्राइस पे क्यू टू मात्रा खरीदी जा रही है। ये बोलता है कि इसमें मूल्य में बिना कोई परिवर्तन हुए मान में अनंत तक परिवर्तन होते रहता है। कहने का मतलब यह है कि मूल्य में वृद्धि होने पर अगर मूल्य बढ़ के पी से पी वन हो जाए, तो देखिए यहां कोई डिमांड रेखा ही नहीं रहती, यानी डिमांड ही समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें मूल्य में फेरबदल नहीं होगा, एक दिए हुए मूल्य पर ही सारी की सारी डिमांड होगी। तो ऐसी अवस्था में आप ये ध्यान दीजिए कि आपका सूत्र क्या था। तो सूत्र था मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, दोनों में से कोई भी लीजिए, मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन बटे, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिए, मान में आनुपातिक परिवर्तन, मान में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन, हम इसको रखते हैं। तो अब यहां मान में आनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है, अब ये देखिए यहां से यहां तक लीजिए, मान लेते हैं कि ये ए से बी पॉइंट तक, तो प्रारंभिक मान आपका क्या था, तो प्रारंभिक मान आपका क्यू था, ठीक है, बढ़ के कितना हुआ क्यू, चलिए ये तो आपका परिवर्तन कितना हुआ, तो Q1 माइनस Q, यानी हम कह सकते हैं कि क्यू क्यू वन। मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, तो P के पीए रह गया है, P से ना बढ़ा ना घटा, यानी इक्वल टू जीरो। अब सूत्र क्या है, मान में अनुपातिक परिवर्तन, तो मान में अनुपातिक परिवर्तन तो हमारा क्यू क्यू वन हो गया, इसका कोई ना कोई आंकिक मान में निकल जाएगा ग्राफ, ठीक है, लेकिन पीपी वन पी में परिवर्तन बराबर तो आ गया जीरो। तो जब जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, इनफाइनाइट। तो यहां पर हमारा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ईपी, दोनों में से जो कहें, इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी अनंत होगा। अब इसको एक आधार पर और देख सकते हैं, मैंने कहा कॉट के आधार पर देखिए, देखिए यहां पर बेस चेंज में, जो बेस में चेंज हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, ये तो बेस बन रहा है, बट परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी, तो बी तो है, बी का तो कोई ना कोई मान होता है, मान लेते हैं कि यहां दो से ये बढ़ के तीन हो गया, तो बी का मान तो एक निकल गया, लेकिन परपेंडिकुलर जा रहा है वहीं के वहीं है, तो परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं है, पांच है तो पांच के पांच रह जा रहा है जीरो, यानी जीरो एक में जीरो से भागा देंगे तो यहां भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मान में आनुपातिक परिवर्तन अंश में क्यों होता है और मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन आधार में क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप किसके आधार पर क्या निकाल रहे हो। तो मूल्य के आधार पर हम मान को जान रहे हैं, मूल्य के आधार पर हम मान को जान रहे हैं। तो जैसे आप बचपन में एक एक नियम में, फिफ्थ और सिक्स क्लास में एक एक नियम में मैथ बनाते थे कि पांच रुपए में एक आम, पांच रुपए में दस आम, तो एक आम का नाम ध्यान दीजिए यहां, तो आप क्या कर देते हैं, आम बटे दाम कर देते हैं, यानी दस बटे पांच कर देते हैं। ठीक उसी तरह यहां है कि पांच रुपए मूल जो है, ये मूल्य ये है तो मांग ये है, अगर मूल्य ये हुआ तो मांग बटा मूल्य यहां आ जाएगा, यानी मांग ऊपर चला जाएगा और मूल्य नीचे। अब हम ये कहें कि मूल्य में इतना परिवर्तन होता है तो मांग में ये परिवर्तन होता है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लाइएगा, तो मूल्य परिवर्तन से मान परिवर्तन, तो मान परिवर्तन ऊपर चला जाएगा और मूल्य परिवर्तन नीचे आ जाएगा, या हम इसको शुद्ध रूप में कहें कि मान में इस अनुपात से परिवर्तन, मूल्य में इस अनुपात से परिवर्तन होता है तो मान में इस अनुपात से परिवर्तन होता है, तो मान में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। हम समझते हैं कि इसको समझ गए होंगे, अब इस पर ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। नेक्स्ट में हम देखें, अब हम जो है उसके बाद हम आते हैं सापेक्षिक लोचदार, इसको देख लीजिए,
सेकेंड है आपका सापेक्षिक रोजगार। सापेक्षिक रोजगार में एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आते हैं इसको रहने दीजिए सम रोजगार में। सम रोजगार से सापेक्षिक रोजगार आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे आए हैं। सम रोजगार यहां होता है इसका ईपी और ईडी इज इक्वल टू वन, यानी यूनिट के बराबर होता है। तो आप टेंथ में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि बी बटे पी का मान एक तभी आता है जब लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हो। तो लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हो तो आपके इंटर के विद्यार्थियों को, हालांकि इसे ग्रेजुएट क्लास में थोड़ा और हट के पढ़ना है, लेकिन इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक सुलभ तरीका हम बता दे रहे हैं कि इसको आप कैसे इस रेखा को बनाइएगा। तो ये तभी होगा जब ये राइट एंगल के अलावे जो ये परपेंडिकुलर और बेस के जोड़ने वाला है कोटेनियस है वो दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए। तो दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो आप इसको बराबर ओ एक्स एक्सिस पर जितना दूरी बेस के लिए काटिए उतना ही परपेंडिकुलर के लिए काटिए और उसके बाद ये एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा कि दोनों अक्षों से इसको सटाइए मत। हाँ, अगर ये सटे तो ये 45 डिग्री पर आ जाए, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा इसमें, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बराबर है तो निश्चित है कि बी बटे पी बराबर वन हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम ये कीमत लिए और कीमत लेने के बाद कीमत में कमी हुई तो डिमांड ये हो गई। अब ध्यान दीजिए, कीमत हमारा पी था, ये हो गया पी वन, चलिए, और ये Q से बढ़ के Q1, कीमत करके P से P1, तो ये हो गया Q से Q1। ये पॉइंट E है और ये E1 है। अब देखिए यहां पर पहले तो हम अनुपातिक निकाल लेते हैं, तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ तो PP1, यानी हम कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन को हम डेल्टा P से सूचित करें तो बराबर PP1। तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कितना होगा तो PP1 बटा रियल कीमत, तो रियल कीमत था पी पी, ठीक है। अब या हम इतना ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बटे पी, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह मान में परिवर्तन कितना हुआ क्यू क्यू वन बटे मूल मान डेल्टा क्यू, ये मान में परिवर्तन दर्शा रहा है क्यू से बढ़ के क्यू क्यू वन हो गया, तो क्यू क्यू वन और बटा क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जो है क्यू क्यू वन बटे डेल्टा क्यू 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 वन बटे क्यू, तो क्यू क्यू वन क्या हुआ एक तरह से डेल्टा क्यू हो जाएगा और बटे क्यू। अब इन दोनों को भिन्न में ला दीजिए, सूत्र क्या था मान में अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बटा क्यू भागा बटा डेल्टा पी बटे पी, यानी मान में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, तो ये क्या आ गया डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी, ठीक है। तो अब हम ये ध्यान दें कि अब इसमें एक कैसे आएगा, ये आप देखिए, एक तब आएगा जब डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे पी होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तब हम ये लिख सकते हैं डेल्टा क्यू जो है डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे पी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे पी इंटू वन। अब इस भीम को हम इस तरह से भी ले जा सकते हैं कि डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू जो है पी का वैल्यू, हम चूंकि ये डेल्टा क्यू बटे क्यू है तो इसके जगह पर हम डेल्टा पी बटे पी के जगह पर हम डेल्टा क्यू बटे क्यू भी ले सकते हैं, तो इसके जगह पर हम बदल देते हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू, तो ये क्या होगा गुना में ये पलट जाएगा क्यू बटे डेल्टा क्यू, तो इसको हम काट दिए तो कितना आ गया एक। चलिए अर्थात ये ध्यान दीजिए कि आपका निष्कर्ष क्या निकला, आपका मूलतः क्या आ रहा है डेल्टा क्यू बटा क्यू, ये क्या हो गया मान में परिवर्तन फर्स्ट चर, सेकेंड चर डेल्टा पी बटे पी,
ये क्या हुआ, मूल्य में परिवर्तन। आपका सूत्र क्या है, मान में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। तो मान में आनुपातिक परिवर्तन कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू बटे क्यू, और जो है मूल्य में डेल्टा पी बटे पी। अब मान लेते हैं हम यह जो है, अगर डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर डेल्टा पी बटे पी हो तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी बटे पी के जगह पर हम डेल्टा क्यू बटे क्यू का वैल्यू दे सकते हैं, इसका वैल्यू दे देंगे। तो इसका वैल्यू जब हम जो ही बैठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, भागा डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू क्यू बटे डेल्टा क्यू, देखिए कट के एक। अब हम समझते हैं जिसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगर हम इस पर देखें यहां से, तो ये देखिए मूल्य में परिवर्तन यहां से यहां तक हो रहा है और मान में परिवर्तन यहां से यहां तक हो रहा है, यानी हम ये कहें कि ये डेल्टा पी है जो पीपी वन के बराबर है और ये डेल्टा क्यू है जो पीक्यू वन के बराबर है। अब यदि पीपी वन और क्यूक्यू वन आपस में बराबर है, ध्यान दीजिए, तो आपका क्या आ रहा है, ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर आ रहा है, यानी बी बराबर पी हो रहा है। तो बी बराबर पी इंटू वन हम लिख सकते हैं, यानी बी बटे पी बराबर वन, यानी है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, यहां पर भी आएगा। हाँ एक चीज यहां ध्यान रखना है कि आप स्लोप के आधार पर मान की लोड तय नहीं कर सकते हो, यानी एक ऐसा है कि एक मान रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर ऊपर से नीचे तक आते आते मान की लोच में अंतर आते जाती है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम एक निश्चित मूल्य परिवर्तन पर ही मान को तय कर रहे हैं और सारी रेखाओं में हम उसी मूल्य परिवर्तन को दिखाएंगे। जैसे अब आप देखिए सापेक्षिक लोच, सापेक्षिक लोच को हम इस तरह से देख सकते हैं, चूंकि सापेक्षिक लोच है तो यहां किसको बड़ा करना होगा, एक सामान्य तरीके से आप पहुंचिए, तो एक से अधिक मान आना होगा, कॉर्ड के आधार पर निकालेंगे, तो कॉर्ड के आधार पर निकालेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर होना चाहिए पी से, तब भिन्न का मान एक से अधिक आएगा, तो बी ग्रेटर होना चाहिए पी से, तो हम बेस को बढ़ा लेंगे, हम मान लेते हैं ये लेते हैं। अब देखिए फिर वही मूल्य लीजिए जो यहां लिए थे, तो हम पूर्व के मूल्य पे ही इसमें देखते हैं कि पी पर डिमांड क्यू था और पी से घट के पी वन हुआ तो डिमांड क्यू वन हो गया। अब आपको यहां सिंपल सा देखने में लग रहा है कि पीपी वन जो है वो क्यूक्यू वन से छोटा है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस से छोटा पड़ रहा है। अब अगर इसी सेम मूल्य पर हम देखिए कि मूल्य में हमारा परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन वही है, लेकिन मूल्य में वही अनुपातिक परिवर्तन करने पर इसके तुलना में मान में यहां ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, अनुपातिक परिवर्तन, क्योंकि ओरिजिनल मान तो वही के वही है, क्यू बड़े की क्यू वन हो रहा है, लेकिन इसमें जो दूरी है और इसमें जो दूरी है ये ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बी इज ग्रेटर देन पी, तो बी इज ग्रेटर देन जो है बी इज ग्रेटर देन पी, तो बी इज ग्रेटर देन पी इंटू वन, तो बी बटे पी इज ग्रेटर देन वन हो जा रहा है, यानी पी इज इक्वल टू वन। अब इसको आंकिक से आप देख लें, आंकिक से देख ले हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये पांच है और ये चार है और ये भी ये पांच से छ है, यहां पर ये ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं दो से चार है, ये ध्यान दीजिए। तो ये आप देखिए मूल्य में परिवर्तन कितना हो रहा है आंकिक में, चूंकि ये दूरी बड़ा है जब हमको ज्यादा परिवर्तन दिखाना होगा, तो मान लेते हैं ये आ जाता है डेल्टा पी बराबर आ जा रहा है दो, और ओरिजिनल पी कितना था, तो पी था पांच, तो और पी बराबर पांच, तो डेल्टा पी बटे पी बराबर कितना होगा, दो बटा पांच। इसी तरह हम डेल्टा क्यू बटे क्यू निकाल लेते हैं, तो डेल्टा क्यू हमारा कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू बराबर दो, क्योंकि ये दो से बढ़ के चार हुआ, ठीक है, और क्यू कितना था, तो दो, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर कितना आ गया, दो बटे दो। अब हमारा सूत्र क्या है, डेल्टा क्यू बटे क्यू भागा डेल्टा पी बटे पी, यानी दो बटा दो भागा दो बटा पांच, तो दो बटा दो गुने पांच बटा दो। अब देखिए ये आ गया कट के पांच बटा दो, यानी एक से अधिक मोर देन यूनिट।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में आपको क्या पड़ा हो गया, इस कंडीशन में डेल्टा क्यू बटे क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बटे पी, तब क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन वन होगा, ये याद रखना होगा। ये कंडीशन में इसमें सापेक्षी गति जो है लोच में क्या होता है, डेल्टा क्यू बटे क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बटे पी, इसमें क्या होगा, समलोच में क्या होगा, समलोच में ये ध्यान दीजिए कि इसका आएगा डेल्टा क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी बटे पी, इसमें दोनों बराबर होगा, जब बराबर होगा तो इसका जो है भिन्न का मान एक होगा, जब डेल्टा क्यू बटे क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बटे पी तो भिन्न का मान एक से अधिक होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सबने एक चीज ध्यान रखना है, कीमत में परिवर्तन और ओरिजिनल, जब आप अल्फाबेटिकल इसको सूचित कर रहे हो तो मूल कीमत और मूल मांग दोनों एक ही रखना होगा, यानी मूल कीमत आपका पी है और मूल मांग क्यू है, ठीक है, उसके आधार पर अब ग्राफ पेपर कर चुकी तो दूरियां उनके लकीरों के आधार पर पता चल जाता है, तो आप Q से Q1 कितनी बढ़ोतरी हुई, हर बार जैसे हम मान लेते हैं कि ये है इस तरह का है तो P से P1 हम हर बार अंतर बराबर रखेंगे, बट Q से Q1 में विभिन्न ग्राफों में अंतर चेंज हो जाता है, ये देखिए, ये हम P से P1 को वही रहते जो P यहां है अब P1 ये दूरी हमेशा ये सब में सब रेखा में बराबर ले रहे हैं, बट Q से Q1 में दूरी चेंज हो रही है, ये क्यू वही क्यू है जो यहां रहेगा मान लेते हैं, तो अब यह क्यू वन है, अब ये दूरी चेंज होती है ग्राफ पेपर पर साफ पता चल जाता है इनके लकीरों से, तो जो ही ये दूरी चेंज होती है इसका मतलब क्या है, ये बढ़ता है, तो बढ़ने का मतलब है कि डेल्टा क्यू का मान बढ़ रहा है और डेल्टा क्यू बटे क्यू का वैल्यू में इसके तुलना में अंतर पड़ जाएगा, इसका डेल्टा क्यू बटे क्यू और इसका डेल्टा क्यू बटे क्यू, आप ध्यान दीजिए ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू बटे क्यू ग्रेटर होगा क्योंकि इसके अंश का मान बड़ा हो रहा है, तो इसमें ये जब आप कॉर्ड के आधार पर दिखा रहे हो तो एक सावधानी यहां रखनी होगी, ये सावधानी आप आगे क्लास में समझेंगे, ये सावधानी यह रखनी होगी कि कीमत के परिवर्तन हमेशा समान दिखाइए और तब मूल मान से कितना विचलित होता है कीमत परिवर्तन के कारण मान, और वो दूरी ग्राफ पेपर के आधार पर तय होगा, आंकिक दिखाने का तरीका अलग है और अल्फाबेटिकल दिखाने का तरीका अलग है, आंकिक में तो सीधे आप अंक के आधार पर अनुपातिक परिवर्तन निकाल दोगे, आपका अंक में निकल जाएगा और अंक के आधार पर सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आप दूरी के आधार पर ही प्रदर्शित कर सकते हो ना, थोड़ा सा यह समझना कठिन है, बार बार इस चीज को देखोगे आपको पकड़ में आ जाएगा। आगे अब हम चलते हैं इसमें, अब हम देखें समलोच सापेक्षिक लोच पूर्ण लोच, आपने देख लिया, अब सापेक्षिक लोच में हम चले, तो सापेक्षिक पर लोच में अगर हम चलते हैं तो इसमें हमको एक कॉमन सेंस क्या गिराना है कि इसमें बी जो होगा चूंकि पे लोच है कॉर्ड के फॉर्मूला पर लिए है, और इसमें क्या होता है कि ईपी को हम क्या करते हैं, ईपी इज लेस देन वन होता है, तो ईपी इज लेस देन वन का मतलब है कि कॉर्ड के आधार पर हम ये कहते हैं कि बी बटे पी, तो बी बटे पी का वैल्यू जो है वो एक से कम आना चाहिए, एक से कम तभी आएगा जब बी इज लेस देन वन, बेस को छोटा रखा, तो बेस को छोटा रखना है तो हम इस तरह का डायग्राम डीडीएम इस तरह का बना देंगे, डीडीएम इस तरह का बनाएंगे तो हम कह देंगे कीमत में अल्फाबेटिकल में कीमत में परिवर्तन सेम रखिएगा, तो कीमत में परिवर्तन हम क्या रख रहे हैं, पी पी वन, ओके पी से घट के कीमत कितना आया पी वन, यानी यह आपका डेल्टा पी है, डेल्टा पी का मान कितना आ गया पी पी वन, पूर्ववत है ठीक है कोई अंतर नहीं है, अब पिछले ग्राफ में जो पूर्ववत परिवर्तन कीमत में हुआ इस ग्राफ में भी उतना ही कीमत का परिवर्तन हो रहा है, यानी पी 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 वन, चलिए तो कीमत कीमत परिवर्तन अनुपात क्या होगा, तो डेल्टा पी 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 वन बटे पी, पी पी वन परिवर्तन हुआ और मूल कीमत कितना था पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी बटे पी। अब हम देखिए मांग में, तो मांग क्यू से बढ़ के क्यू वन हुआ, अब हम कह रहे हैं कि चूंकि अल्फाबेटिकल है इसमें हमको निश्चित आंकिक आंकिक अंतर पता नहीं है, तो इसमें डेल्टा क्यू आपका कितना आ गया, तो डेल्टा क्यू बराबर क्यू क्यू वन, क्योंकि क्यू से बढ़ के क्यू वन हुआ,
ठीक है। अब क्यू क्यू वन आया तो ग्राफ पेपर पर आप दूरियां लकीरों के आधार पर उसका मापते हैं, ग्राफ पेपर के लाइन के आधार पर मापते हैं। अब निश्चित तौर पर जब पिछला ग्राफ से आप इसको तुलना कीजिएगा जो हमने बताया था, तो ये दूरी देखिए घट रही है, घट गई है, यानी क्यू क्यू वन डेल्टा क्यू का मान पिछले आया डेल्टा क्यू के मान से कम जा रहा है। इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर तय किए थे और जो पिछला बेस था उससे ये बेस कम गया, यानी डेल्टा क्यू कम गया। इसका मतलब क्या है, यानी रिजल्ट निकल रहा है कि B इज लेस देन P, तो B इज लेस देन P इंटू वन, तो B बटे P इज लेस देन वन, यानी अगर B बटे P के मान से हम इलास्टिसिटी का मान तय करते हैं तो यह आ जाता है EP इज लेस देन वन। अब चले हम इस पर चले, डेल्टा P बटे P और ये हमारा आ गया डेल्टा Q बटे Q। अब देखिए यहां B कौन है, तो B यहां पर आ जा रहा है डेल्टा क्यू बटे क्यू और ये आ जा रहा है डेल्टा पी बटे पी, ई आ जा रहा है। अब इसमें छोटा कौन सा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है बेस। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू बटे क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बटे पी, तो इलास्टिसिटी ई पी इज लेस देन वन होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू बटे क्यू बी है तो इसका अगर मान कम होता है और हर का मान ज्यादा होता है डेल्टा पी बटे पी, तो इलास्टिसिटी, इसको आप आंकिक आप देख सकते हो। आंकिक देखने का तरीका यह है, हम ये जो है इसमें आते हैं सापेक्षिक विद्युतधारा में, इसको आप आंकिक देख सकते हो। इसमें हम मान लेते हैं कि हमने डिमांड ग्राफ जो है डिमांड रेखा ये लिया, चलिए ठीक है। अब हम ये हमने लेते हैं आंकिक रूप में और ये ले लेते हैं, देखिए ये छह है और ये चार है। मान लेते हैं कि छह रुपए कीमत पर मान जो था वो दस था, दस यूनिट का था, और चार रुपए कीमत पर मान बढ़ के हो गया ग्यारह यूनिट। यहां आप क्या देख रहे हैं ये ध्यान दीजिए, मूल्य कम प्रभावी हो रहा है मान पर, मूल्य दो रुपया घट रहा है लेकिन मान सिर्फ एक यूनिट बढ़ रही है। अब ये ध्यान दीजिए यहां पर, यहां डेल्टा पी आपका कितना निकल के आएगा, ऑरिजिनल प्राइस कितनी थी छह, घट के कितनी हुई चार, तो डेल्टा पी आपका निकल रहा है, आप ये ध्यान दीजिए टू, तो डेल्टा पी बटे पी का वैल्यू कितना होगा टू बाई फोर, ठीक है, क्योंकि यह टू बाई सिक्स, क्योंकि आपका ऑरिजिनल कितना था सिक्स, ठीक है। अब डेल्टा क्यू हम निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा ग्यारह माइनस दस बराबर एक, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर कितना होगा एक बटा दस। अब देखिए इलास्टिसिटी के लिए आप क्या कीजिएगा, डेल्टा क्यू बटे क्यू भागा डेल्टा पी बटे पी, तो आपका डेल्टा क्यू बटे क्यू कितना आया था एक बटा दस भागा ये आया था दो बटे छ, तो हम इसको कर देंगे एक बटा दस गुने छ बटे दो, ठीक है। अब ये कटेगा दो से, दो तीन छ यानी तीन बटा दस, देखिए इलास्टिसिटी एक से कम आ गया यहां पर, तो रिजल्ट हमारा क्या निकला, रिजल्ट ये निकलता है कि डेल्टा क्यू बटे क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बटे पी, तो ईपी इज लेस देन वन होगा, ठीक है, ये इसमें ध्यान देना है। चले अब हम पूर्ण बेलोच की ओर चले, पूर्ण में लोच में हम आते हैं। अब पूर्ण लोच में देखे थे कि डिमांड कर ये आपका पूर्ण में लोच है, पूर्ण में लोच में आप पूर्ण लोच में आप देखे थे कि डिमांड कर वो एक्स एक्सिस का ओरिजेंटल होता था, इसमें ओवाई का ओरिजेंटल हो जाए, यानी हम ये कहें कि वर्टिकल हो जाए, ठीक है, तो ये उसमें ओ एक्स के पैरेलल था, इसमें ओवाई के पैरेलल हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे वो ओरिजेंटल था तो ये वर्टिकल था, वर्टिकल हो जाएगा, तो ये dt आपका हो गया। अब इसमें देखिए प्राइस है यहां p घट के p1 घट के p2, क्या होता है डिमांड जो q पर है वो q पर बना रहता है, यानी मूल्य पर मान कोई असर नहीं करता है, मूल्य में परिवर्तन चाहे कुछ भी हो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ऐसे के कोई खास गुड्स है जिसमें बहुत कम अंतर पड़ता है, जैसे मान लेते हैं हालांकि वैसा वस्तु मार्केट में शुद्ध रूप में तो नहीं है लेकिन कुछ वस्तुएं उसके निकट के होते हैं, जैसे नमक है, नमक की कीमत में कितना उतार चढ़ाव हो जाए नमक की डिमांड उतनी होने जितना होना चाहिए उतनी होती ही रहेगी, तो इसको हम कहते हैं
जो है पूर्ण विरोध जिसमें कोई लोच नहीं हो। तो अब इसमें हमको ध्यान में देना है, मान लेते हैं E, E1 और E2 ये तीनों बिंदु को लेते हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है बट बेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपका सूत्र क्या था, कॉट से बी बटा पी, तो बी में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी डेल्टा जो है अगर हम ये कहें क्यू और बटा क्यू, तो डेल्टा क्यू तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं जब डेल्टा क्यू है तो जीरो बटे क्यू, और जीरो बटे क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, यानी बी का वैल्यू आ जाएगा जीरो। और P में चेंजेज हो रहा है, तो P में कुछ भी चेंज हो रहा है, A, B, C, D कुछ भी चेंज हो रहा है, या 2, 3, 4, 5, तो इन जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को अगर हम नीचे अनुपातिक चेंज को लिखेंगे तो उससे हम अगर इसको काटेंगे तो वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, ET इज इक्वल टू जीरो, यानी इलास्टिसिटी शून्य होगी। इस अवस्था में निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अब दो विपरीत अवस्था का हमने अध्ययन किया इस पांच अवस्थाओं में। एक अवस्था था आपका पूर्ण लोच, तो पूर्ण लोच में क्या था ये ध्यान दीजिए, पूर्ण लोच में डेल्टा पी बटे पी, डेल्टा पी बटे पी इज इक्वल टू जीरो, ये पूर्ण लोच की सर। और पूर्ण के लोच में आपका क्या आ गया ये ध्यान दीजिए, पूर्ण के लोच में डेल्टा क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू, ये बिल्कुल याद रखना है, ये आपको निश्चित तौर पर माइंड में रखना होगा कि जब डेल्टा पी बटे पी इज इक्वल टू जीरो तो पूर्ण लोच, डेल्टा क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू जीरो तो ये पूर्ण बेलोच की स्थिति होगी। तो हम समझते हैं कि इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम आते हैं कि इनकी मान की लोच की माप कैसे की जाती है, ये ध्यान दीजिए। तो मान की लोच की माप के लिए अब पहले इसको एक ग्राफ पर देख लीजिए, एक ही साथ में पूरे के पूरे दिखला रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। वर्टिकल अगर है तो वर्टिकल से जैसे जैसे मांग रेखा जो है ढालू होते जाएगा, ये ध्यान दीजिए, और थोड़ा सीधा कीजिए इसको बनाने के क्रम में, क्योंकि रेखा है। देखिए यहां मान लेते हैं हम यहां डी है, डी वन है, डी टू है, डी थ्री है, और ये डी फोर है, पांच मांग रेखा कर दिया है। ये देखिए पूरा वर्टिकल है, वर्टिकल है तो इसमें क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है। सूत्र क्या होता है, डी बटे पी, यानी डी बटे पी तो बी तो जीरो है, यहां कुछ होगा तो ये यहां पर इलास्टिसिटी ईपी इज इक्वल टू शून्य। इसमें क्या होगा, ये वर्टिकल से थोड़ा हटा, थोड़ा हटने का मतलब क्या है, ये देखिए ये मूल्य में बड़ा परिवर्तन लेकिन मांग में कम परिवर्तन दर्शा रहा है ना, इधर आप कीमत रखेंगे तो ये परिवर्तन जो यहां से यहां तक हो रहा है बड़ा कम, यानी मूल्य कम प्रभावी है, तो मूल्य कम प्रभावी है इसका मतलब क्या है कि लोच उतना नहीं है, तो इसको हम दे लोच करते हैं, तो कम लोच है तो इसको हम बोलते हैं सापेक्षिक बेलोच। ठीक है, ये क्या हुआ पूर्ण बेलोच, देखते जाइए जैसे जैसे ये खड़ी से पड़ी की ओर होते चली जाती है लोच बढ़ते जाता है, इसमें तो एकदम लोच नहीं था, इसमें कुछ लोच आया, ये क्या है, ये देखिए इसमें लोच और बढ़ जाएगा, इसको इस ग्राफ से लीजिए, देखिए यहां पर ये अंतर आ रहा है मूल्य में तो ये अंतर आ रहा है मांग में, तो ये क्या बता रहा है, जितना मूल्य में अंतर उतना ही मांग में अंतर, यानी ये हो जाएगा समलोच, यानी मूल्य बराबर प्रभावी है, यदि मूल्य 50% बढ़ता है तो मांग 50% घट जाती है, मूल्य 50% घटता है तो मांग 50% बढ़ जाती है। नेक्स्ट और अगर आए तो ये ज्यादा लोच प्रदर्शित करेगा, ज्यादा लोच ये इस तरह का है, ऐसा है, ये देखिए मूल्य में थोड़ी सी कमी हुई तो मान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कमी मात्र ये हुआ यहां से यहां तक और मान बहुत बड़ा वृद्धि हो रहा है, ये दूरी देखिए बड़ा वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सापेक्षिक लोच। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट में ये आपका आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो है ओरिजेंटल, यानी हम ये कहें ओ एक्स के पैरेलल,
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें तो सिर्फ बेस है परपेंडिकुलर है ये नहीं है, तो बेस का मान कुछ भी हो परपेंडिकुलर जीरो, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत लोच है। यानी हम ये कह सकते हैं ईपी जीरो, यहां क्या हो जाएगा ईपी इज लेस देन वन, यहां ईपी इज इक्वल टू वन, यहां ईपी इज ग्रेटर देन वन, और यहां जो है इसमें ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आप क्या देखे कि जैसे जैसे खड़ी रेखा यानी वर्टिकल रेखा जो है वो ओरिजेंटल होते जाती है तो मान की रोच बढ़ते जाती है, वर्टिकल से ओरिजेंटल की ओर जाते हैं तो मान की रोच बढ़ते जाती है। चले अब देखिए मान की रोच मापने की विधियां हैं, मान की रोच मापने की तीन विधि है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक को हम कहते हैं प्रतिशत प्रणाली या अनुपातिक प्रणाली, दूसरे को कहते हैं हम बिंदु प्रणाली, और तीसरे को कहते हैं कुल व्यय नीति। तो सबसे पहले प्रतिशत प्रणाली या अनुपातिक प्रणाली को देखते हैं, बस इसको हम पहले भी बता चुके हैं। अनुपातिक प्रणाली में क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू सूत्र इसका होता है मान में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको हम एक एग्जांपल पर सेट करते हैं कि जो है मान लेते हैं कि प्रारंभिक मान बराबर क्यू, मान में परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू, तो मान में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो जाएगा, अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है। इसी तरह प्रारंभिक मूल्य बराबर, मूल्य बराबर पी, मूल्य में परिवर्तन बराबर डेल्टा पी, तो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन कितना होगा डेल्टा पी बटे पी। अब इसी को हम सूत्र पे डाल देते हैं डेल्टा क्यू बटे क्यू, और चूंकि भागा है देना मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से, तो मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन का वैल्यू इतना है डेल्टा पी बटे पी बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी। अब हम डेल्टा वाले को एक तरफ कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बराबर पी बटे ईयर गुना पी बटे क्यू। हम इसको ये कह सकते हैं कि मान में परिवर्तन बटे मूल्य में परिवर्तन इंटू मूल्य बटे मान, ये हमारा फाइनल सूत्र निकल के आता है, इसको याद रख लेना होगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। अब इसके आधार पर हम एक जो है इलास्टिसिटी की गणना कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिए सूत्र को वैसे ही छोड़ देते हैं और इलास्टिसिटी की गणना हम कर लेते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि पी बराबर सिक्स है, ध्यान दीजिए, और P से प्राइस चेंज होके आ गया P1 बराबर 4, ठीक है। तो आपका डेल्टा P ऐसी अवस्था में कितना आएगा, डेल्टा P बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान देना है, चलिए P6 था P1 4 था, तो उसके बाद हम मान लेते हैं कि Q 10 है, Q बराबर 10 और Q1 15, तो ऐसी अवस्था में डेल्टा Q आपका कितना आएगा, तो डेल्टा Q बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5। अब आप ये देखिए कि डेल्टा P बटे T का वैल्यू कितना आ रहा है, तो डेल्टा P बटे T का वैल्यू आ रहा है 2 बटा 6, प्रारंभिक मान 6 था, 6 से घट के 4 हुआ था। अब एक चीज आप ख्याल रखिए हमेशा दिमाग में, ये यहां पर जो हमने निकाला ये दो, ये एक्चुअली आप ध्यान दीजिए कि ये दो नहीं होगा बल्कि माइनस दो होगा। क्यों माइनस दो होगा, क्योंकि प्रारंभिक छह था परिवर्तित चार है, तो घटा ना कीमत, तो कीमत घटा, तो इसको हम इस तरह से हम मूल रूप से अंकित कर सकते हैं चार माइनस छह बराबर माइनस। लेकिन जब हम सोल्व करते हैं तो उसको 6 माइनस 4 ही लिखते हैं, क्योंकि मान की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है, मान की लोच की गणना हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि देखिए क्या होता है इसमें कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ये अगर घटा तो ये बढ़ रहा है,
तो जब भी इनका परिवर्तन के अनुपातों का भिन्न बनेगा तो या तो अंश में माइनस होगा या हर में माइनस होगा। तो जब अंश में माइनस होगा तो हर में प्लस होगा, क्योंकि अगर मूल्य घटती है तो मांग बढ़ती है तो हर में प्लस आ जाएगा। और अगर हम ये कहें कि मूल्य बढ़ती है तो देखिए मांग घटती है, तो ये या तो माइनस बटे प्लस हमारा होगा या प्लस बटे माइनस, दोनों में तो हमारा हल आएगा माइनस, निगेटिव है ना। तो चूंकि मान की रोज का मान हमेशा निगेटिव होता है, इस कारण गणना करते समय हम इस निगेटिव के चिन्ह को हटा देते हैं, अतः इसको हम सिर्फ अंकों में ही हम रख देते हैं। तो चलिए हम यहां लेके चलते हैं, तो ये दो बटे छ हो गया, तो चलिए हम यहां निगेटिव चिन्ह लगा के ये भी चलते हैं, माइनस दो बटा छ, उसे समझ में आ जाएगा केस क्यों हटाते हैं, माइनस दो बटा छ। और दूसरा है डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू तो बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये पॉजिटिव भी जाएगा, तो ये तो प्लस पांच सही है, बराबर हो जाएगा पांच बटे दस। अब हमारा सूत्र क्या था ये देखिए, डेल्टा क्यू या इसे लीजिए या इसे लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसी पर बैठा देते हैं। डेल्टा क्यू आपका कितना है ये ध्यान दीजिए पांच, और डेल्टा पी आपका कितना आया था माइनस दो, ठीक है, गुणे पी इंटू क्यू, पी कितना था तो पी आपका जो था वो छे था, और क्यू कितना था शुरू के प्राइस छे था और क्यू कितना था तो दस था, पांच गुना दस और दो तीन यानी माइनस तीन बटा दो, यह आपका आता है इलास्टिसिटी, इसको काटेंगे तो 1.5। तो चूंकि इलास्टिसिटी निगेटिव होता ही है तो उसको हम निगेटिव क्यों लिखे, जैसे आपसे कोई पूछता है कि हानि कितना होगा तो आप यही बोलते हैं कि पांच होगा, हानि अगर माइनस पांच बोल देंगे तो वो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वो तो फिर पांच हो जाएगा। जैसे लाभ हमेशा प्लस नहीं होता है, लाभ को हम प्लस फाइव नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह हानि को हम सिर्फ जो है हानि जो ही हम लिख दिए तो वो माइनस को सूचित ही कर दे रहा है, ठीक है। तो जो है अब अगर आप पांच रुपए हानि में है और उसको लाभ के रूप में लिखना है कि लाभ बराबर कितना हुआ पांच हानि को, तब हम लिख सकते हैं कि माइनस पांच। तो यहां यही चीज है, ये मूल रूप से होता ही है निगेटिव, तो निगेटिव होता है तो इसको हम पॉजिटिव अंक नहीं है सिर्फ लिखते हैं यानी 1.5। तो हम समझते हैं कि इससे निकालना आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं प्रतिशत प्रणाली। प्रतिशत प्रणाली बहुत ही आसान है, इसमें जो सूत्र है वो है ईपी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अब आप एक ध्यान दीजिए कि एग्जांपल हम यहां दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो है एक है, जैसे मान लेते हैं कि मूल्य में 15% कमी होता है, मूल्य में क्या है कि 15% कमी आ जाती है नीचे की ओर तीर के निशान से दिखा रहे हैं, तो मांग बढ़ के 1000 से ये बढ़ के हो जाता है कितना तो 1200, ठीक है। अब यहां मूल्य में प्रतिशत कमी तो दिया हुआ है ये ध्यान दीजिए, अब मांग हम अगर मांग में प्रतिशत कमी निकाल लें तो मेरा आंसर निकल जाएगा मांग में प्रतिशत वृद्धि, तो मांग कितना प्रतिशत बढ़ा है 1000 में बढ़ा 200, तो 100 में कितना बढ़ेगा 200 बटा 1000 गुणे 100, चलिए 10 20 यानी 20% का अंतर आ गया। तो अब ये हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ गया, अब इसको यहां पर पुटअप कर दीजिए 20 बटा 10 या मूल्य में कितना था 15, क्योंकि दोनों में प्रतिशत है इसलिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल है सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है 20 बटा 15 है तो यह आ जा रहा है 4/3, क्योंकि ये निगेटिव ही आएगा क्योंकि एक कम रहा है एक बढ़ रहा है, तो फिर हम कह रहे हैं कि निगेटिव यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा निगेटिव नहीं होता है, बराबर इलास्टिसिटी 1.33 यानी ईपी इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम आते हैं इसको समझते हैं ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि में क्या है कि मान के स्लोप जो एक मान वक्र होता है, इस मान वक्र में विभिन्न बिंदु पर मान की रोज भिन्न भिन्न होती है, अब इन विभिन्न बिंदुओं पर स्लोप कैसा है इसके आधार पर हम मान की रोज को मापते हैं। अब मान लेते हैं कि हम इस बिंदु पर ले रहे हैं तो इस बिंदु पर इसका स्लोप ये बनेगा और इस बिंदु के अनुसार मांग रेखा आपकी यही होगी,
अब इस बिंदु पर मान की रोज क्या होगी, इसके लिए ये ध्यान दीजिए कि एक सूत्र दिया है। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम ले रहे हैं, तो ये बिंदु का नाम अगर आर है, ठीक है, और यहां पर हमने लिया है ए और बी, ये आपका स्लोप है, ए भी स्लोप है, और ये आपका डिमांड वक्र है। तो इधर आप रख दीजिए मांग को और इधर रख दीजिए कीमत को। तो ये सूत्र बनाया है कि आर बराबर या इस बिंदु पर ईपी बराबर उस बिंदु से निचला भाग, बटे उस बिंदु से ऊपर वाला। अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि आर मध्य बिंदु है इस रेखा का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बी बटे आर ए, यहां ए लिए थे आर ए, चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए आर बी बराबर क्या हो जाएगा आर ए, यानी आर बी बराबर आर ए इंटू वन, इसलिए आर बी बटे आर ए बराबर वन, यानी हम कहेंगे कि इस बिंदु पर ईपी इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस आधार पर एक ही मांग होकर के दो विभिन्न बिंदुओं पर आप निकाल सकते हैं, जैसे इस ग्राफ में आप देखिए ये आपका डिमांड कर्व है और इसके हम दो बिंदु को ले रहे हैं, एक यहां ले रहे हैं और एक यहां ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बिंदु से जो आपका स्लोप बनेगा, सपोज दैट यहां ले लेते हैं 10 18 है, चलिए, और ये नेक्स्ट हम यहां ले रहे हैं स्पर्श रेखा, हम ये ले रहे हैं, ये आपका डीडी वक्र है, हम दो बिंदु लिए हैं पी और क्यू, चलिए दोनों पर हम देखते हैं, एक का नाम दे दिया है, एक स्लोप को ए बी और दूसरे स्लोप को हम रख लेते हैं सी डी। अब दोनों पर मान की रोज क्या होगी, तो पी बिंदु पर आप देखिए जो स्लोप बनाया है तो उस बिंदु से निचला भाग यानी पी बी अब बटे पी ए, ये इसका इलास्टिसिटी होगा, और इस बिंदु पर हो जाएगा क्यू डी, क्यू से नीचे डी निचला भाग अब बटे। आप क्या देख रहे हैं ये ध्यान दीजिए, इसमें आपको दृष्टिगत हो रही है कि ये पीवी जो है वो पीए से बड़ा है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं क्यूडी जो है वो सीक्यू से छोटा है। सूत्र क्या है, निचला भाग बटे ऊपरवा भाग, तो मांग रेखा के ऊपर वाले बिंदु पर आप देखिए निचला भाग बड़ा है, पीवी बड़ा है, मान लेते हैं कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, सपोज है 10 नहीं इतना दूर 6 है, तो पीवी 6 है और ये 4 है, और यहां पर सीधे ही स्थिति पलट जाती है निचला भाग पर, ये जो है क्यूडी हो जाता है 4 और सीडी हो जाता है 6, तो इसका मान तो 1 से अधिक होगा ना और इसका मान 1 से कम, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि मांग रेखा के ऊपर के बिंदु पर, मांग रेखा के ऊपर के बिंदु पर मांग की रोच अधिक होती है और नीचे के बिंदु पर मांग की रोच कम होती है, क्योंकि निचला भाग स्लोप का छोटा हो जाता है और इसके ऊपर वाला स्लोप का बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, और इस आधार पर एक सरलरेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच की गणना इस प्रकार की जा सकती है। अब ध्यान दीजिए, मूल रूप से आपके एग्जाम में यही आएगा, मान लेते हैं कि यह सरलरेखीय मांग वक्र, चलिए हम यहां ओ एक्स वाई ले लेते हैं और ये डी डी आपका डी डी वन मांग वक्र है, इसका हम ये मध्य बिंदु ले लेते हैं आर, इसके ऊपर एक बिंदु लेते हैं आर वन और इसके नीचे एक बिंदु लेते हैं आर टू। अब विभिन्न बिंदुओं पर मान की लोच क्या होगी, हमने क्या कहा आर मिडिल पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, ठीक है, तो आर बिंदु पर ईपी बराबर क्या होगा, आर से निचला भाग अब बटे आर से ऊपरला भाग, यानी यहां पर आपका आएगा आर डी वन बटे आर डी, चूंकि आर डी वन बराबर आर डी, इसलिए क्या हो जाएगा आर डी वन बराबर आर डी गुने एक, इसलिए आर डी वन बटे आर डी बराबर एक, यानी यहां पर ईपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस बिंदु पर ईपी इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसके ऊपर लेते हैं तो ऊपर में आप देखिए यहां पर क्या कंडीशन बन रहा है, इस जगह पर क्या कंडीशन बन रहा है, ध्यान दीजिए आर वन डी निचला भाग बटे ऊपर वाला भाग, सूत्र यही था दिमाग में रखिए हमेशा, निचला भाग बटे ऊपर वाला भाग जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां आर वन डी वन क्या है ग्रेटर है आर डी से, निचला भाग बड़ा है, तो
तो ये क्या हो जाएगा, आर वन डी वन इज ग्रेटर देन आर डी इंटू वन, इसलिए आर वन डी वन बटा आर डी इज ग्रेटर देन वन, यानी इस बिंदु पर क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन वन। नीचे वाला पर आते हैं तो ये हम देखते हैं कि निचला भाग R2 D2 D1 इज लेस देन ऊपरला भाग R2 D, तो क्या हो जाएगा R2 D1 इज लेस देन R2 D into 1, तो R2 D1 बटे R2 D इज लेस देन 1, यानी एक से कम आएगी मान की लोड, तो यहां क्या हो जाएगा ईपी इज लेस देन 1। अब हम इस पॉइंट पे चलते हैं और इस पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, निचला भाग समूचा निचला ही भाग है और ऊपरला भाग यानी DD1 बटे निचला भाग DD1 डी बिंदु पर समूचा निचला भाग है और ऊपरला भाग जीरो, तो जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो ये क्या हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नीचे में हम देखते हैं कि निचला भाग कुछ है ये नहीं, सब तो ऊपरले भाग है D1 पॉइंट पर, तो जब नीचे वाला कोई भाग नहीं है सब ऊपरला है तो जीरो बटे D1D, तो यहां क्या हो जाएगा जीरो, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, ईपी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से इसको याद रखना होगा आपको इस ग्राफ को, कि हाँ मांग रेखा के विभिन्न बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, बी से जैसे जैसे नीचे सरकते हैं मांग की लोच बढ़ती जाती है, बी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मांग की लोच, या बी से जैसे जैसे ऊपर पड़ते हैं मांग की लोच बढ़ती जाती है, और बी से जैसे जैसे नीचे जाते हैं मांग की लोच घटती जाती है, बीच पर मांग की लोच बराबर होती है। इसका मूल्य निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका इस रेखा की आएगी, इस कारण आप इसको याद रखें। चले नेक्स्ट, चले मांग की लोच की मापने की कुल व्यय विधि को हम देखें। ये विधि बहुत ही आसान है, इसमें क्या है कि मांग मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय पर क्या असर पड़ता है इसके आधार पर करता है। इसमें ये ध्यान दीजिए, मूल्य कमने पर, दिमाग में रखिए, मूल्य कमने पर दो कंडीशन होगा, कुल व्यय बढ़ जाए कुल व्यय घट जाए, या कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, तीन कंडीशन आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। अब इन तीनों कंडीशनों में क्या होगा, कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी यानी लोचदार हो जाएगी, कुल व्यय घट जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होगी यानी बेरोजगार होगी, और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगी तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। ये तीनों कंडीशन आपको माइंड में, कुल व्यय बढ़ जाए मूल्य कमने पर, न कि मूल्य बढ़ने पर, मूल्य कमने पर कुल व्यय बढ़ जाए मांग की लोच इकाई से अधिक, जिसको लोचदार मान लेते हैं, कुल व्यय घट जाए मांग की लोच इकाई से कम, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं मांग की लोच इकाई के बराबर। अब यही कंडीशन इसको उल्टे में ले लीजिए, मूल्य बढ़ने पर क्या होगा, कुल व्यय घट जाए, ठीक इसका रिवर्स, कुल व्यय बढ़ जाए और कुल व्यय में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, घट जाए ईपी इज ग्रेटर देन वन, बढ़ जाए ईपी इज लेस देन वन, और ये ईपी इज इक्वल टू वन। अब इसको समझिए, पहले यदि मान लेते हैं कि ₹5 मूल्य है, उस पर 10 वस्तु की हम डिमांड करते हैं, मूल्य घट के हो गई ₹2.5, 2.5, आपके जनरल मैथ के मुताबिक मूल्य आधी घटी तो मांग की दूनी बढ़ जानी चाहिए थी, मांग दूनी बढ़ने पर कितना होता 20, 10 के जगह पर 20, मूल्य आधा घटा तो मांग दूनी बढ़ जाएगी, तो इसलिए कुल खर्च आपका क्या होगा, ₹5 मूल्य पर 10 वस्तु की आप मांग कर रहे थे तो कुल खर्च आपका आ रहा था ₹50, ₹2.5 पर 20 वस्तु की मांग कर रहे हैं तो कुल खर्च आपका 50 का 50 चला जा रहा है, इसको हम कोई इलास्टिसिटी नहीं, यानी इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू वन है, कहेंगे बराबर इलास्टिसिटी है, यानी मूल्य और मांग में के अनुपात में बराबर का संबंध है, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ती है उसी अनुपात में मांग घट जाती है, या जिस अनुपात में मूल्य घटती है उसी अनुपात में। अब अगर हम इसको इस कंडीशन को हम कैंसिल करें और हम ये ले लें कि ₹2.5 पर मूल्य
जो है हम 20 वस्तु का डिमांड करके 30 वस्तु का डिमांड करते हैं। यानी मूल्य इतना प्रभावी है कि मूल्य में कमी होने से जिस अनुपात में मूल्य में कमी होती है उससे ज्यादा अनुपात में मांग में वृद्धि हो जा रही है। तब देखिए कुल व्यय कितना होगा, 30 × 60 और 30 × 150 यानी 75 वस्तु की डिमांड हो जाएगी, ये 75 रुपए की मांग हो जाएगी। 50 के मांग बढ़ेगी कितना का हो गया, 75 का। क्या हुआ, कुल व्यय आपको बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये क्यों हुआ, इस कारण हुआ कि जिस अनुपात में मूल्य घटे उससे ज्यादा अनुपात में मांग बढ़ गए। मूल्य तो आधी घटी, उस अनुपात में अगर मांग बढ़ता तो 10 से 20 होता, लेकिन मांग बढ़ने कहां चला गया, 10 से 30, जिसके कारण मेरा कुल व्यय बढ़ गया। तो ये मांग मूल्य ज्यादा असर डाल रहा है मांग पर, तो इस कारण कुल व्यय बढ़ जाती है कीमत घटने पर, तो ईपीएस ग्रेटर देन हुआ। कुल व्यय घट जाए, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि कुल व्यय आपका अनुपात से बढ़ता तो 10 से 20 होता लेकिन 15 तक जाता है, तो 15 तक अगर जाता है तो 15 × 30 और 15 × 75 आपका कुल व्यय रह गया 37.5। ये क्या बता रहा है कि मूल्य के अनुपात में यदि मांग बढ़ती, मूल्य घटने के अनुपात में मांग बढ़ती तो 20, लेकिन मूल्य उतना असरकारी नहीं है, यानी दुगुना ना बढ़ा करके दुगने से कम बढ़ाता है। मूल्य में तो जो है 50% का अंतर पड़ा, लेकिन मांग में 50% का अंतर नहीं पड़ा, उससे कम अंतर पड़ा, ठीक है, यानी मूल्य कम प्रभावी है तो कुल व्यय घट जाए, ठीक है। तो जो है कुल व्यय बढ़ जाए तो ईपी इज इक्वल टू 1। और ये ध्यान दीजिए कि ऐसी अवस्था में यदि कुल व्यय घट जाए मूल्य बढ़ने पर तो ये क्या होगा, यहां पर कुल व्यय घटने पर ईपी इज ग्रेटर देन, ईपी इज लेस देन 1, यानी लोच कम है, दिमाग में आ रहा है, लोच कम है यानी प्रभाव मूल्य कम डाल रहा है ना, तो मूल्य कम प्रभाव डाल रहा है यानी मांग में परिवर्तन कम हो रहा है, कुल व्यय पर तो मांग की लोच इकाई से कम जा रही है। और जब कुल व्यय वही को वही, जैसे ये वाला में देखिए 15 × 50 = 28 से 20 कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, तो ईपी इक्वल टू 1। ठीक इसका रिवर्स चलेगा, मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, मान लेते हैं कि 10 रुपए पर 10 वस्तु की डिमांड थी, ठीक है, मूल्य जो है बढ़ गई 20 हो गया, तो डिमांड उस अनुपात से घटती तो हो जाना चाहिए था 5। चलिए 10 रुपए पर 10 वस्तु की मांग थी तो टोटल खर्च मेरा कितना आ रहा था 100, अब 20 रुपया मूल्य बढ़ के हुआ, तो अगर 20 के हिसाब से मूल्य दुगनी बढ़ी तो मांग घट के आधी होती, तो 20 × 100 = 100 मेरा रह जाता, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच इकाई के बराबर, नो चेंज नहीं इकाई के बराबर। लेकिन घटना क्या घटती है कि 10 पर तो 10 वस्तु का था, लेकिन जब 20 रुपए हुआ तो 10 से डिमांड घट के 5 नहीं आई बल्कि 8 ही रह गई, यानी मूल्य में दुगना परिवर्तन लेकिन मांग में बहुत थोड़ा परिवर्तन, 10 से घट के 8, मूल्य ज्यादा प्रभाव यहां नहीं डाल रहा है। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 20 × 8 = 160। अब क्या देख रहे हैं, कुल व्यय बढ़ गया, मूल्य बढ़ने पर जो है मूल्य बढ़ने पर आपकी स्थिति क्या आई, मूल्य मान लेते हैं कि 10 रुपया है, यहां पर ये ध्यान दीजिए क्वांटिटी कितनी है 10, प्राइस ये जो है प्राइस कितनी है 10, क्वांटिटी कितनी हो रही है 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे पी क्यू, यानी कुल मात्रा और गुणे मूल्य, तो कितना आ रहा है 100। अब अगर मान लेते हैं कि मूल्य बढ़ के 20 हो जाता है, तो 20 होने पर क्या हुआ, 20 होने पर अगर मांग बराबर सरकारी रहता मूल्य के अनुसार तो क्यू घट को हो जाती 5, तो टोटल व्यय हमारा 100 पे 100 रह जाता, तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहेंगे ईपी इक्वल टू 1, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। अब चलते हैं थर्ड स्थिति में, सेकेंड स्थिति में 10 से घट के मूल्य 20 हुआ, तो 10 से बढ़ के मूल्य 20 हुआ, तो वैसी अवस्था में हमारी मांग जो है 5 तक नहीं घटी, यानी 5 से कुछ कम घटी, 5 से कुछ कम घटी तो मान लेते हैं कि यह 7 पर आ जाता है, तो यह क्या हो गया 140। तो अब देखिए ये 100 से कहां आया 140, यानी क्या हुआ कुल व्यय बढ़ गया, तो कुल व्यय जब बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे ईपी इज लेस देन 1।
अब अगर पूर्व वेग घट जाए, ये ध्यान दीजिए, तो अब जो है बी से अगर मूल्य बढ़ने पर, मूल्य बढ़ रहा है और जिसके कारण क्या हुआ कि मांग पांच तक ना घट के पांच से भी ज्यादा नीचे चला आया, जैसे बी से बीस पर आ गया तीन, तो ये हो गया साठ। अब क्या देख रहे हैं, अगर समान परिवर्तन होता तो ये पांच रहता, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। समान परिवर्तन में पांच ही तक रहता, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवर्तन होकर के ये तीन में आ जाता है, तो कुल व्यय हमारा हो गया साठ। तो कुल व्यय घट गया, इसका मतलब है कि ईपी इज ग्रेटर देन वन। तो हम क्या कहेंगे, मूल्य बढ़ने पर, मूल्य बढ़ने पर यदि कुल व्यय घट जाए, जो मूल्य कमने पर है ठीक इसका रिवर्स काम करेगा। तो मूल्य बढ़ने पर क्या हमारा संकेत निकलता है, इसको इस प्रकार देखिए, मूल्य बढ़ने पर यदि कुल व्यय घट जाए तो क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में ईपी इज ग्रेटर देन वन। मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, कुल व्यय बढ़ जाए तो ईपी इज लेस देन वन, और स्थिर रहे तो ईपी इज इक्वल टू वन। ठीक है, मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, सो मूल्य बढ़ा हम आठ तो ये हो गया 160। मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो ईपी इज ग्रेटर देन वन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूल्य बढ़ने पर क्या स्थिति होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि पहले प्राइस है पी, पी प्राइस पर टोटल डिमांड है 10, तो पी क्यू हमारा आ गया 100। अब अगर मूल्य बढ़ गई है, मूल्य बढ़ के दुगनी हो गई है, तो डिमांड घट को उस हिसाब से आधी होनी चाहिए थी, लेकिन आधी नहीं हो रही, आधी से पहले ही रुक जा रही है, यानी आठ घट क्या रह जाइए था पांच, तो आठ रह गया। अब ऐसी परिस्थिति में आठ क्वांटिटी का 20 रुपए प्राइस पर कुल व्यय हो जाएगा 160। यानी हम ये कहें कि यहां पर मूल्य ज्यादा प्रभावकारी नहीं है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ईपी इज लेस देन वन, यानी बेरोजगार। ओके, अब नेक्स्ट में हम आते हैं, मूल्य वही है, बढ़ के दुनी हुई, यानी फिर 20 हो गई, 10 से ओरिजिनल मूल्य आपका 10 था, बढ़ के 20 हुई, 20 हुई तो उसी हिसाब से जिस अनुपात से मूल्य बढ़ी उसी अनुपात से डिमांड घट गई, तो डिमांड घट गई 10 से 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 100। ऐसी परिस्थिति में ईपी इज इक्वल टू 1 का आएगा, इसको हम कहेंगे समरोज। ठीक है, अब मूल्य घटी, मूल्य बढ़ गई 10 से 20 का, सब में 10 से तीनों में 10 से 20 हो रहा है, लेकिन यहां क्या हुआ कि डिमांड घट के जिस हिसाब से मूल्य बढ़ी उस अनुपात से डिमांड घटती होती तो 5 आता, उतना ही नहीं घटा, उससे भी ज्यादा घट गया। कहने का मतलब क्या है कि मूल्य बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो रहा है, अगर बराबर प्रभावकारी होता तो घट के 5 आता, लेकिन घट के ये 3 आ गया, तो 3 आने पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा आ गया 60, जो पहले के एक्सपेंडिचर से कम है, तो कुल व्यय में कमी आ जा रहा है, कुल व्यय में कमी होने पर ईपी इज ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा लोचदार। तो आपका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकल रहा है कि मूल्य बढ़ने पर यदि कुल व्यय बढ़ जाए तो बेरोजगार, कुल व्यय स्थिर रहे तो समलोचदार, अगर कुल व्यय कम जाए तो लोचदार। ये तीनों परिस्थितियां इसमें आती है। ठीक है, तो अब हम देखें इन तीनों को हम इस रेखाचित्र से देख सकते हैं, इसमें आप ये इस तरह से ले लीजिए, इधर हम रख रहे हैं कीमत को और इधर रख रहे हैं कुल व्यय को। ये ध्यान दीजिए, ये कुल व्यय का 3 है ए बी सी डी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मूल्य अगर कमते चली जा रही है, ध्यान दीजिए मूल्य अगर कमते चली जा रही है, ये यहां से यहां तक का पोजीशन ईपी इज ग्रेटर देन 1, मूल्य कमते जा रही है तो जो है कुल व्यय बढ़ते जा रहा है,
और मूल्य जो है बढ़ने पर कुल व्यय घटते जा रहा है, ये यहां पर प्रश्न करेगा ईपी लेस देन वन। यहां अब हम बी से सी तक देखेंगे कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या प्रश्न करेगा ईपी इज इक्वल टू वन। यहां बी से अब नीचे देखते हैं कि मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य घटते जा रही है तो कुल व्यय घटते जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ईपी इज लेस देन वन होगा और बढ़ने पर बढ़ती जा रही है ना, तो ईपी इज लेस देन वन होगा। इस चित्र से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब एक फाइनल पॉइंट है जिससे हो सकता है क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन ये चीज आप देख लीजिए, तीन रेखाओं से इसको आप देख सकते हैं कि किसमें समान जो है लोच होता है। तो सबसे पहले एक परफेक्ट इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक पूर्ण लोच जिसमें ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इस मान रेखा के किसी बिंदु को लीजिए सब पर ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि बेस है परपेंडिकुलर नहीं है, तो जिस बिंदु पर ले उस बिंदु पर ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। दूसरा बेलोच मान में, इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर है बेस नहीं है, तय बात है कि मूल्य में परिवर्तन हो रहा है मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका प्रत्येक पॉइंट ए बी सी किसी पर रही है ये जीरो के जीरो प्रदर्शन करेगा ईपी, यानी प्रत्येक बिंदु पर। कहने का मतलब क्या है कि दो मान रेखाएं ऐसी है जिसका प्रत्येक बिंदु पर लोच एक ही होता है, एक ही का मतलब है कि एक नहीं होता है, समान होता है, चाहे ए ले ए पर भी जीरो, बी पर भी जीरो, सी पर भी जीरो। यहां हमने ए बी सी, तो ए पर भी इनफाइनाइट, बी पर भी और सी पर भी। तीसरा जो डायग्राम होता है ये थोड़ा समझने लायक है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम उस डायग्राम को कहते हैं कि जिसके अंदर में, इस कर्व के अंदर में जितने भी आयत बनते हैं वो सारे के सारे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। चूंकि सारी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस कारण मूल्य में परिवर्तन से जो कुल व्यय होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी आपने पढ़ा कि कुल व्यय में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इकाई के बराबर होती है। अब ये देख सकते हो कि ये मूल्य पी था तो डिमांड क्यू था, मूल्य घट के पी वन हुई तो डिमांड बढ़ के क्यू वन हुआ। अब आप ये यहां से यहां तक इस एरिया का आप क्षेत्रफल निकालो और ये आयत का क्षेत्रफल निकालो, दोनों क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है तो मूल्य में चेंजेस से कुल व्यय, ये टोटल व्यय दिखाएगा। टोटल व्यय कैसे दिखाएगा कि यहां से यहां तक मांगी गई मात्रा है जो चौड़ाई है, तो मान लेते हैं पांच है, और यहां से यहां तक मूल्य है, ये मूल्य मान लेते हैं कि दस है, तो ये कितना हो गया 10 × 5 यानी 50, इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम यहां से यहां तक मूल्य को घटा कर दिए आधा, तो डिमांड हो गया ये 10, तो ये फिर इसका क्षेत्रफल 50, यानी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इसके किसी भी बिंदु पर, ए बिंदु हो बी बिंदु हो, ईपी इज इक्वल टू वन होता है। करेक्ट, समझ गए होंगे। अब हम जो है आगे एक रेखा और प्रदर्शित करते हैं जिसमें यह ध्यान दीजिए कि बहुत स्टूडेंट्स या जो है कई लोग गलती करते हैं कि मान वक्र के स्लोप, स्लोप के अनुसार जो है मान वक्र के स्लोप के अनुसार वो तय कर लेते हैं कि हाँ यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगा। स्लोप के अनुसार हम तय नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो है इलास्टिसिटी को जब भी तय करना है तो मान में अनुपातिक परिवर्तन और मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से तय कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, हम दो मान वक्र ले रहे हैं एक ही मूल्य के बिंदु पर से, ये और ये, इसमें थोड़ा सा टेंथ का महत्व दिमाग में रखिए, क्या है ओ एक्स वाई एक्सिस पर है। अब हम यहां ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पी है, ठीक है। अब इस पर हम एक जो है ए भी मूल्य लेते हैं, यहां पर एक मूल्य लेते हैं पी। पी पर आप देखिए, अगर हम इस डिमांड कर पर आते हैं, ए सी और ए डी दो डिमांड कर रहे मान लेते हैं, तो हम अगर इस जगह पर आते हैं तो पी पर ए सी डिमांड कर पर डिमांड ये है क्यू, और इस पर जो है डिमांड कर क्यू वन है। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर हम एसी डिमांड कर्व के आधार पर मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल क्या है ओ ए सी। अब ओ ए सी पर मान लेते हैं कि ये आर बिंदु है, ठीक है, इस जगह पर जहां पर डिमांड कर्व प्राइस जो है टच करता है डिमांड कर्व को, तो आर बिंदु पर मान की लोच क्या होगी, सूत्र से निचला भाग बटे ऊपरला भाग यानी आर सी बटे आर ए, ठीक है। अब ये देखिए ओ ए सी ट्रायंगल में पी आर जो है, ये ध्यान दीजिए पी आर इज पैरेलल टू ओ सी है, पी आर ओसी के पैरेलल है, तो पी आर जब ओसी के पैरेलल है इस त्रिभुज में, ये देखिए ये वाला त्रिभुज को मैं कह रहा हूं, इसमें पी आर ओसी के पैरेलल है, तो जब पी आर ओसी के पैरेलल है तो आप ये ध्यान दीजिए
कि आपका थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर यदि रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो इसका तो अनुपात ए आर बटे आर सी था और ये इसके समानांतर ये पी आर खींची हुई है, तो जो ए आर सी बटा ए आर है तो वो हो जाएगा ओपी बटे ओए के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी आर बराबर हो सी इसलिए आर सी बटे आर ए बराबर ओपी बटे ओए, ये आपका फर्स्ट आया। अब आप इस त्रिभुज को लीजिए जो सेकंड डिमांड कर्व थी ना, छोटी डिमांड कर्व जो थी इसको ले लेते हैं, ये एडी है। अब यहां पर मान लेते हैं कि आर वन है या आर के जगह पर और कोई नाम ले लीजिए, एम ले लीजिए, ठीक है। अब इस पे एम बिंदु पर लोच क्या होगी, तो एम बिंदु पर हमारा लोच होगा एम से निचला भाग यानी एम डी बटे एम ए, चलिए ठीक है। अब एम डी बटे एम ए में देखिए कि ये जो पीएम है, पीएम क्या है, पीएम पैरेलल है, समानांतर है किसका, ओडी का, ओडी का। हम किस त्रिभुज में लिए हैं, एओडी में, यहां ध्यान दीजिए त्रिभुज एओडी के अनुसार ये अभी चल रहा है, इसके पहले वाला था ओएसी के अनुसार। तो ओएडी में हम देख रहे हैं ओएडी में ओडी पैरेलल है पीएम के, तो यहां भी तो हो रहा है वही चीज, तीसरी भुजा ओडी तीसरी भुजा है, इसके समानांतर पीएम रेखा है। तो जब इसके समानांतर है तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बाधित करेगी, तो अगर इस रेखा से इसका अनुपात आता है एमडी बटे एम तो वही अनुपात यहां बनेगा ओपी बटे ओए। तो हम लिख सकते हैं कि एमडी बटे एम ए बराबर ओपी बटे पीए। अब ये देखिए सेकंड आ गया, आपका फर्स्ट में क्या था, फिर इधर ले लीजिए आरसी बटा आर ए बराबर ओपी बटा ओए, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड में क्या आ रहा है, एमडी बटा एम ए बराबर ओपी बटा ओपी बटा यहां सॉरी ओपी बटा पीए होगा, यहां भी ओपी बटा पीए क्योंकि इसका अनुपात आरसी है, ठीक है। तो आरसी बना निचला भाग बटा ऊपरवा भाग, तो इसके पैरेलल में ये है तो ये बन जाएगा ओपी बटा पीए, ठीक है। तो ये हो गया ओपी बटा पीए, ये सेकंड। अब देखिए आरसी बटा आर ए बराबर भी ओपी बटा पीए और एमडी बटा एम ए बराबर भी ओपी बटा पीए, जबकि ये दोनों किसको माप रहे हैं, ईपी को माप रहे हैं। तो जब इन दोनों का जो है अलग अलग वैल्यू ओपी बटा ओए है तो हम लिख सकते हैं कि ईपी बराबर ओपी बटा पीए, यानी दोनों पद पर मान की लोच हमेशा होगी ओपी बटा पीए के। यानी आप देखिए कि तो भिन्न मान लोग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है लेकिन इलास्टिसिटी एक ही आ रहा है। यह तो इस बात से तय होती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दोनों वक्रों पर मांग में कितना अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये मांग चैप्टर आप पूरी तरह समझ गए होंगे और ये जितनी भी चीज हमने आपको पढ़ाया वो सारे के सारे जो है इसमें नोट्स में अवेलेबल है, इसको ध्यान देके पढ़िएगा। इसमें नीचे और कुछ ऑब्जेक्टिव है और उसका आंसर हमने दे दिया है, जैसे बस दो मिनट लेते हुए हम इसको बता देते हैं। मांग की लोच क्या है, गुणात्मक कथन नहीं है, गुणात्मक तो मांग का नियम है, मात्रात्मक कथन। मांग की लोच मापने का सूत्र ए मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। आपका थर्ड है निम्न चित्र क्या प्रदर्शित करता है, हॉरिजॉन्टल है तो पूर्ण लोच इनफाइनाइट का ही इसमें आएगा। मांग की लोच मापने की कौन सी विधि है, कुल व्यय प्रणाली, प्रतिशत प्रणाली, बिंदु प्रणाली, तीनों प्रणाली अभी हम आपको बताए, चलिए तीनों है इसमें। पांचवा सापेक्ष लोचदार मांग क्या व्यक्त करता है, सापेक्ष लोचदार का मतलब अधिक लोच, अधिक लोच तब होगा जब अंश हर से बड़ा रहेगा, अंश कौन है डेल्टा क्यू बटे क्यू, तो डेल्टा क्यू बटे क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बटे पी, इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट में जो है छठा में निम्नलिखित उदाहरण में मांग की लोच क्या है, एक तरफ कीमत में परिवर्तन दिखाया गया है, मांग में परिवर्तन दिखाया गया है, दोनों का अनुपातिक परिवर्तन ले लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है। नेक्स्ट मांग की लोच प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर सबसे प्रभावित होती है मांग की लोच। चलिए वस्तु में चेंजेस हो जाएगा प्रकृति में तो भी मांग इधर उधर हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, अभी आपने पढ़ा पांच प्रकार की होती है, पूर्ण लोच, पूर्ण बेलोच, सापेक्ष लोच, सापेक्ष बेलोच और समलोच। नेक्स्ट हम आते हैं निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में हमने क्या कहा था, पूर्ण बेलोच क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है बट बेस नहीं है। और मांग की लोच मापने की कुल व्यय प्रणाली किसने दिया है, तो जो है ये कुल व्यय प्रणाली आपको दिया था मार्शल, या जो है मार्शल ने,
एक और क्वेश्चन इसमें छूट गया, वो बीच में डाला हुआ है, आप पीडीएफ को खोल करके देखिएगा कि उसमें दिया हुआ है कि गिफेन बुड्स की लोज मान की लोज क्या होती है, तो हमेशा ऋणात्मक होती है, वो प्रश्न आते रहता है। इसका सब का आंसर हमने नीचे दे दिया है। इसके अलावा सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो हमारा पूरा आपका लिखा ही हुआ है, उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न है, और लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर ही पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, उस पॉइंट को यहाँ पर रख लीजिएगा। जैसे एक सैंपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मान की मूल्य लोष मापने या ज्यामिति अथवा बिंदु विधि का सचित्र वर्णन करें, और इसके अंदर हो सकता है कि दो तीन लघु उत्तरीय का आपको आंसर मिल जाए। शुरू में आप देखिए ये ध्यान दीजिए इस पर कि हमने कई क्वेश्चन को एक ही साथ रख दिया है, उसको आप ध्यान देंगे। जैसे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शुरू में मान की मूल्य से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है इसी तरह इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पांच ठो है, पूर्ण रोजदार मान, सापेक्ष रोजदार मान, सबका सचित्र वर्णन करें, इस सब का आंसर ये देखिए बारी बारी से इसमें दिया हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये क्रैश कोर्स के तहत इस चैप्टर को जितना अच्छे तरीके से हमको समझाना चाहिए था, कम समय में हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे, और कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट के लिए कल के लिए।